हे गाइस, वेलकम बैक चैनल। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास फैब्रिक है और ये हमारे पास अस्तर है। और इस फैब्रिक्स में आपको चोली कट ब्लाउज कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, और इसको मैं डबल चोली कट करके दिखाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपकी इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगा। हमारे पास अस्तर है और जो साइज़ है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। लंबाई हमें 16 देना है, चेस्ट 38 है, कमर 32 है, बाजू की लंबाई 11 है, मोहरी 11 है, आर्मोल 18 है, गला आगे से 9 है, पीछे से 9.5 है, डॉट पॉइंट 12 है, ठीक है। और आगे पीछे पान गला है, रेड पाइपिंग है, तो पाइपिंग और स्टिचिंग में नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। नीचे निशान लगाना है, ये हम सबसे पहले बैक पल्ला कट करेंगे, तो हमने निशान लगा लिया, ये हमें नीचे तुरपाई के लिए मार्जिन दे दिया, ठीक है। अब ब्लाउज की लंबाई जैसे कि 16 है, तो पीछे वाले पल्ले की लंबाई हम रखेंगे 15.25। यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे वो हम ऐड कर लेंगे। आर्मोल डाउन दे देंगे हम इसमें 7.25 इंच का। चेस्ट 38 है, तो पीछे वाला पल्ला हम उसी का चौथा हिस्सा कट कर लेंगे, 38 का चौथा हिस्सा 9.5। अब गले का डीप पीछे से 9.5 है, तो ब्रॉड लेंगे हम इसमें 3 इंच, डीप 9.5 है, 9.5 पे निशान लगा लेंगे। पान गले का शेप दे दिया है, अब डीप गला है, शोल्डर हम ज्यादा नहीं रखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने शोल्डर रखे कितने हैं। जो हमारा रेडी साइज आएगा 12 इंच का आएगा, बाकी ये गला जब कटेगा तो शोल्डर फैलेगा, तो वो ऑटोमेटिक अपना सेट हो जाएगा। आर्मोल आएगा हमारा 17.5, तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेना आर्मोल कितना आ रहा है। आर्मोल हमारा 18 आ रहा है, तो कटिंग करते टाइम हम इसे कवर कर लेंगे। डॉट पॉइंट 12 है, तो पीछे वाले पल्ले पे हम 11 पे निशान लगा लेंगे। कमर हमारी है 32 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे, 8 चौक 32, 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ऐसे हम 1.5 इंच की डॉट डाल देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से जो है हमारा पूरे बैक वाले पल्ले की मार्किंग हो जानी है। कमर 32 है, तो हमें यहाँ पे 32 लिख देना है। अब इसे हम कट कर लेंगे और इसी की मदद से फ्रंट पल्ला कट करेंगे। अब जैसे आरमोल बढ़ा रहा है, तो हम आरमोल को थोड़ा सा छोटा कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बैक पल्ला कट कर लिया है, अब हम फ्रंट पल्ला कट करेंगे। फ्रंट पल्ला कट करने के लिए हम इसको पल्ले को ऐसे बिछा लेंगे। अब आगे वाले पल्ले में हमें आयुक का मार्जिन लेना है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट निशान लगा लेंगे इस तरीके से। आरमोल का निशान उठा लेंगे, साइड से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे। ये आप देखिए, ये गले का ब्रोड हो गया। डी पे आगे से 9 इंच, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इसका एक बॉक्स बना लेंगे, ये वाला हमारा फिटिंग का निशान है, और यहाँ से हमारा कटिंग होगा। साथ ही साथ इसका हम हाला छाट लेंगे और आरमोल की गुलाई दे देंगे। इस तरीके से आरमोल की गुलाई दे देनी है। पान गला देना है, तो पान गले का शेप बना लेना इस तरीके से। अब जो गुलाई स्टार्ट हुई है, उसके बीचों बीच से हम निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट 12 है, जैसे हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा एग्जैक्टली डॉट पॉइंट हो गया है। इसी के सामने एक सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इतना काम करने के बाद, अब जैसे कि चेस्ट हमारा है 38 इंच, तो 38 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6×36, करीब 7.5 इंच की कटोरी आएगी हमारी। तो 7.5 इंच के हिसाब से हम डॉट पॉइंट का जो ब्रॉड लेंगे 7.5 ले लेंगे। 7.5 का आधा 3 इंच में एक सूत कम, 3.5 में एक सूत कम, तो जो हमारे कटोरी का साइज आएगा वो यहाँ आएगा। तो मतलब जो हमारे ब्लाउज की लंबाई होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी, अभी हमारे पास ब्लाउज की लंबाई छोटी है, ठीक है। तो उसको हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, हमें कट करना है। और ये जो चीज़ है, ये हम जब आगे कटोरी कट करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, करीबन 1 इंच छोटा है, ठीक है। और ये चीज़ हम जो कट करेंगे, 7.5 इंच कट करेंगे, तो इसे हम 7.5 इंच ऐसे निशान लगा लेंगे। उसका सेम निशान हम एक ये लगा लेंगे, एक ये सेम निशान यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आरमोल से आप देखें साइज़ के अकॉर्डिंग हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस शेप को ऐसे हम मिला देंगे आपस में इस तरीके से, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंथ हमारी यही रहेगी, यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे, ऐसे हमारा थोड़ा सा
तिरछा हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम इस वाले पैनल को कट करके निकाल लेंगे, और ये वाला जो पैनल है इसे भी कट करके निकालेंगे, लेकिन इसको जो है डॉट डालने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ जो है हम क्या करेंगे, इसके हम 1 इंच और अप कर देंगे, तो ये जो हमारा आएगा ये ऐसे अप हो जाएगा। तो हम इसे कट करके निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम कटोरी कट करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे पार्ट्स अलग कर लिए हैं। अब हमें जो है इसमें डॉट भी डालने हैं, तो डॉट का भी हमें स्कोप निकाल लेना है, प्लस साथ ही साथ इसमें हमें जो ऐड ऑन करना है वो हम अब कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको मेन में निकालते हैं दोबारा से। जब भी गैज हम मेन को जब फाइनल में निकालेंगे तो हम इसे और एप कर लेंगे, तो हम इस प्रकार से इसको बिछाएंगे और एप में, और इसको हम सेम निशान को कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार से हमने कॉपी कर लिया है। तो गैज इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले ही दिखाया था, हमारी लंबाई 1 इंच कम आ रही थी। ठीक है, जो भी हमें कटोरी चाहिए थी तो हम वो लंबाई बढ़ा लेंगे, तो हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर बढ़ा लेंगे प्लस मार्जिन, और 1/2 इंच नीचे बढ़ा लेंगे प्लस मार्जिन। तो हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम मार्जिन लेंगे वो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे वो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मार्जिन लेंगे वो बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ क्या करना है हमें, यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर लेना है, और यहाँ पे भी हमें 1 इंच ऐड कर लेना है, यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऐड करना है, यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऐड करना है, और यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऐड कर लेना है, और यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच ऐड कर लेना है एक्स्ट्रा। यहाँ में क्या करना है, जो हमें मार्जिन लेना है वो ऐड करना है, और ऐसे बढ़ाते हुए जाना है इस प्रकार से, और इस निशान में मिला देना है इस प्रकार से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से हम सेम चलेंगे, यहाँ भी हम सेम रखेंगे, यहाँ पे जो हम मार्जिन लेंगे वो हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो हम इसे इस तरीके से निशान लगा के इस तरीके से फाइनल कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से ये यह हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो हमें लूजिंग देनी थी वो अब हमारी यहाँ पे अब लूजिंग ऐड हो रही है, तो इसी से जो है हमारे आगे वाले पल्ले की फिटिंग आ जाएगी। ये हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से, इधर भी हम सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये जो हमारे निशान लगेगा वो इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से। इधर का जो निशान आएगा वो इस प्रकार आएगा कुछ, ये आप देखें। अब हम इन्हें कट करके निकाल लेंगे और वापस डॉट डाल के हम आपको प्लेसमेंट करके दिखाएंगे। इसे हम कट कर ले रहे हैं अब। मैंने दोनों पैनल्स निकाल लिए हैं, ये हमारे कुछ इस प्रकार से पैनल आ चुके हैं, और ये जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारे दोनों पैनल्स आपस में एग्जैक्टली आएंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है, अब हमें कटोरी नापनी है, तो कटोरी नापने के लिए हमें क्या करना है, ये हम पहले डबल करेंगे, ये जो मार्जिन है हम निकाल देंगे, जो हम सिलने में मार्जिन लेंगे उसे निकाल देंगे, और ये कटोरी हमारी आनी थी 1.75 इंच की, तो ऐसे 3.5 में 1 इंच एक सूत कम पे निशान लगाएंगे और ये चटका लगा देंगे इस प्रकार से, चटका लगा देंगे, और ये जो डॉट आएगी हमारी यहाँ पे मिला दी जाएगी इस तरीके से। तो जो हमारी जो डॉट डलेगी वो हमारी कुछ इस प्रकार से आएगी, ये आप देखें इस प्रकार से डॉट डल जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा चोच आ रही है तो इस चोच को हम हल्का सा कम कर लेंगे कटिंग करके। इस प्रकार से कम कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें ये हमारा जो है जो ये है बिल्कुल ये एक्यूरेट मैच आएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल मैच आ जाएगा, तो जब हम इसे मेन में कटिंग करेंगे तब भी हम इसको और ये भी ही कट करेंगे, ये हमारा जो सेंटर का चटका है वो लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कटोरी कट करनी आ गई होगी,
और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमें बेल्ट कट करनी है, तो बेल्ट कट करने के लिए हम एक बार और क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा जो साइड का पैनल है कितना छोटा है। तो आप देखिए, हम ये साइड से साइड ऐसे मैच करेंगे इस तरीके से। ये आप देखें, अब जो हमारी बेल्ट आएगी वो यहाँ तक आनी चाहिए। तो हमारा जो बेल्ट आ रहा है, हमारी 2 इंच की बेल्ट आ रही है, मार्जिन लगा के हम 2.5 इंच की कट करेंगे, ठीक है। और जो सेंटर से कट करेंगे, सेंटर से जो है हम 3.5 इंच कट करेंगे इस तरीके से। लेंथ हमारी 2.5 है, तो हम 2.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 3.5 है, तो एक हम 3.5 पे निशान लगा लेंगे। इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमारा तुरपाई के लिए मार्जिन हो जाएगा। कमर हमारी है ब्लाउज की 32 इंच, तो चौथाई हिस्सा हमारा 8 इंच हुआ। इसको हम तिरछा करेंगे ऐसे, और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। इसको हम सीधा कर देंगे। जो यहाँ पे सेंटर में उठाया जाएगा वो ये ऐसे उठ जाएगा इस प्रकार से। तो आप देखें, बहुत आसानी से जो है मैंने बेल्ट मार्क कर लिया है। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे गैस हमने ये 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा किया है क्योंकि यहाँ पे जो आई हुक की पट्टी लगेगी उसका मैंने मार्जिन इधर नहीं छोड़ा था, तो वो मैंने उस साइड में कवर अप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बॉडी कट करके दिखाई है, कटोरी कट ब्लाउज की डबल कटोरी में। अब हमें बाजू कट करनी है। तो हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है साइज के अकॉर्डिंग। आर्मोल हमारा आएगा 17.5 इंच, तो 17.5 के हिसाब से हम इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब बाजू में जैसे कि छोटा सा ज्वाइंट आएगा, तो ज्वाइंट के लिए हम ऐसे कपड़े को बिछा लेंगे पहले इस तरीके से ज्वाइंट लगाने के लिए, तो हमारा ज्वाइंट भी लग जाएगा। अब लंबाई जैसे कि 11 है, तो बाजू की लंबाई जो है हम ऐसे में 12 इंच कट करेंगे। ये आप देखें, 3.5 डाउन देंगे, एक 11.5 पे निशान लगाएंगे और 12 से कट कर लेंगे, ठीक है। मोहरी हमारी है 11 इंच, तो ऐसे 5.5 इंच। आरमोल देना है हमें 17.5, तो ऐसे 7.25, ऐसे 7.25, 7.25 दूनी 17.5। यहाँ पे हम हल्का सा शेप पट्टी का यूज़ करेंगे, ऐसे शेप यूज कर लेंगे इस तरीके से। ये आप देखें, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे। गला डीप है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे, हल्का सा कर्व देके सीधा कर लेंगे। इसे हम ऐसे कट करके निकाल लेंगे कर से। यहाँ पे बाजू में हम 1/2 इंच का मार्जिन दे रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे चटका लगाना है, यहाँ पे चटका लगाना है, एक सेंटर का चटका लगाना है। उसके बाद हमें इस बाजू को खोलना है वापस, हाला छाटना है, तो ऐसे हल्का सा जाना है नीचे, ऐसे डाउन जाना है, करीब 1/4 इंच नीचे जाके ऐसे वापस मिला देना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें चटका लगा लेना है, इससे पता लगेगा कि हमारा आगे की साइड है। तो आप देख सकते हैं, हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और बहुत आसानी से इससे मैंने आपको बताया है। अब हम आपको मेन की कटिंग करके दिखाएंगे। बॉर्डर को निकाल के हम अलग कर लेंगे। तो ये आप देखें, हमने बॉर्डर को निकाल लिया है बहुत आसानी से, और बॉर्डर हमारा अराउंड 1.25 इंच चौड़ा है। तो बॉर्डर को हम आगे कवर अप कर लेंगे। तो ये आप देखें, साइड से जो है हमारा बेल्ट निकल आएगा। हमारा जो मेन में थोड़ा सा मार्जिन कम आएगा, इतना चल जाएगा, ये हमारे बाकी के पैनल्स आ जाएंगे। तो अब हम इसको कट करने स्टार्ट करते हैं। ये आप देखें, हमने बेल्ट निकाल लिए और ये हमारा बैक हो गया है, ठीक है। तो बैक में बहुत हल्का सा ऊपर ऊपर में जो है मार्जिन कम आया है हमारा, बाकी बैक निकल चुका है इजीली तरीके से। अब हमें निकालनी है ये कटोरी और फ्रंट पल्ला।
तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पूरी बॉडी कट कर ली है। अब हमारी बाजू रह रही है तो हमें बाजू कट करनी है। तो ये आप देखें हमने यहाँ से बाजू कट कर लेनी है इस तरीके से। वहाँ पे आप देखें ये हमारा बॉर्डर लग जाएगा तो हमारी बाजू एग्जैक्टली सही से आ जाएंगी। इसे हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। जो यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइंट आ रहा है वो हम यहाँ से भराव कर देंगे, यहाँ से भराव कर देंगे। तो इसे भी हम कट करके निकाल ले रहे हैं। तो गैज आप देख सकते हैं मैंने कितने कम कपड़े में बहुत इजी तरीके से आपको ब्लाउज कट करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका पसंद आया होगा और काफ़ी इजी लगा होगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे एक बार आप विजिट करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस देखने के लिए अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो का टॉपिक का नाम और साइज़, तो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत। सारा पीस कट करने के बाद हम इसको ऐसे लपेट देंगे। बाजू की मोरी 11:30 है तो हम 11 लिख देंगे। तो हमारा पूरा पीस कट गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।